बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन मूवी। यार ये मूवी सही में काफी ज्यादा ऑसम थी, बट बहुत से बेंटन फैंस को ये मूवी समझ ही नहीं आई क्योंकि ये मूवी इंग्लिश में रिलीज हुई थी। बट आज की ये वीडियो उन सभी बेंटन फैंस के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है जिन्हें ये मूवी इंग्लिश में समझ नहीं आई, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बेन टेनिसन और ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है और दोनों ही एक कैंप साइट पर बैठे रहते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स के पीछे से एक पोर्टल खुलता है और फिर वहाँ एलियन एक्स आ जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स एलियन एक्स को रोकने के लिए जाते हैं। तो एलियन एक्स उन्हें अपने हाथों से दूर फेंक देता है, जिसके बाद बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर हमें एलियन एक्स और कैनन बोल्ट के बीच एक फाइट देखने को मिलती है, बट एलियन एक्स कैनन बोल्ट को काफी इजीली डिफीट कर देता है। एंड फिर एलियन एक्स बेन से उसकी ओमनीट्रिक्स भी ले लेता है, जिसके बाद बेन का हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। एंड फिर वहां एंट्री होती है फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स की और वो बेन के हाथ को नॉर्मल कर देते हैं। फिर वहीं एलियन एक्स दूसरे टाइमलाइन के रिबूट में जाता है। एंड हाँ गाइस, वैसे अब तक हमें ये कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन सा रिबूट टाइमलाइन रियल है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर बेन शॉकरॉक में ट्रांसफॉर्म होकर जोम्बोजो से फाइट कर रहा होता है और ग्वेन रस्सी से बंधी होती है। तभी ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट का ब्रेक जोर से लेते हैं और जोम्बोजो सीधा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स जोम्बोजो को रस्सी से बांध कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। एंड फिर ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन रस्ट बकेट में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहां एलियन एक्स आ जाता है। एंड फिर बेन एलियन एक्स को हराने के लिए फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर बेन ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। पर बेन इन तीनों एलियन की हेल्प से भी एलियन एक्स को नहीं हरा पाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन और बेन अपने दिमाग का यूज करके वहां से निकल जाते हैं। एंड फिर से वहां एंट्री होती है फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स की और फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स बेन को एलियन एक्स के बारे में अच्छे से बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उनके टाइमलाइन के बेन की भी ओमनीट्रिक्स एलियन एक्स ने छीन ली है। तो फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स अपनी स्टोरी बता ही रहे होते हैं कि वहां एलियन एक्स आ जाता है, जिसके बाद एलियन एक्स उन पर अटैक कर देता है। एंड फिर बेन रैथ में ट्रांसफॉर्म होकर एलियन एक्स से फाइट करता है, बट एलियन एक्स रैथ को काफी इजीली डिफीट कर देता है और फिर एलियन एक्स बेन से उसकी ओमनीट्रिक्स भी ले लेता है, जिसके बाद एलियन एक्स इस टाइमलाइन से भी चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वहां एंट्री होती है एलियन फोर्स वाले बेन की, जो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है, और फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर एलियन एक्स को रोका कैसे जाए, जिसके बाद वो सब एक ड्रीमलैंड में जाते हैं जहां बहुत से झूले लगे रहते हैं और वो सभी वहां की चीजों से एलियन एक्स के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, जिसके बाद फिर से वहां एलियन एक्स आ जाता है एलियन फोर्स वाले बेन की ओमनीट्रिक्स लेने। तभी एलियन फोर्स वाला बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर सभी एलियन एक्स पर अटैक कर देते हैं, पर इससे एलियन एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और एलियन एक्स बिग चिल को भी काफी इजीली डिफीट कर देता है। और जब एलियन एक्स एलियन फोर्स वाले बेन की ओमनीट्रिक्स लेने ही वाला होता है कि वहां फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और वो अल्टीमेट वाले बेन को भी साथ लेकर आते हैं। एंड फिर अल्टीमेट सीरीज वाला बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर से एलियन फोर्स वाला बेन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद एम्फीबियन और क्रोमा स्टोन मिलकर एलियन एक्स पर अटैक कर देते हैं। एंड फिर हमें एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलती है
पर एलियन एक्स दोनों बैंस को हरा देता है, जिसके बाद एलियन एक्स उन दोनों की ओमनीट्रिक्स लेने ही वाला होता है कि वहाँ फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स, रिबूट वाला बैन, क्लासिक वाला बैन, ओमनीवर्स वाला बैन और एक ग्वेंटन आ जाती है जिसपे एक ओमनीट्रिक्स होती है। एंड फिर क्लासिक वाला बैन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, ग्वेंटन रिपजॉज में ट्रांसफॉर्म होती है, एलियन फोर्स वाला बैन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है, अल्टीमेट वाला बैन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड ओमनीवर्स वाला बैन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो सब मिलकर एलियन एक्स पर अटैक कर देते हैं। बट फिर भी एलियन एक्स इन सब को हरा देता है, जिसके बाद वो सब एक केव में प्लान बनाते हैं कि एलियन एक्स को कैसे रोका जाए। तभी रिबूट वाला बैन एक प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से वो सब फिर से उन्हीं एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एंड फिर फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स को वेपन देते हैं फाइट करने के लिए। एंड फिर सभी बैंस अपने अपने एलियन की हेल्प से एलियन एक्स पर अटैक कर देते हैं। फिर अपने रिबूट वाले बैन को कैसे भी कर ओमनीट्रिक्स मिल जाती है, जिसके बाद रिबूट वाला बैन भी हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड फिर हमें एक बहुत ही ऑसम सी फाइट देखने को मिलती है और सभी बैंस मिलकर एलियन एक्स की बॉडी से ओमनीट्रिक्स निकालने लगते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसके बाद ओमनीवर्स वाला बैन ब्लॉक्स से एलियन एक्स को फंसा देता है। और जब एलियन एक्स नॉर्मल फॉर्म में आता है तो हमें बहुत बड़ा शॉक मिलता है, क्योंकि वो एलियन एक्स था बेंटन थाउजेंड। तो बेंटन थाउजेंड अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि एक बार उसकी और विलगैक्स की फाइट हो रही होती है, तभी वहाँ ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं, पर विलगैक्स ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को मार देता है और उस टाइमलाइन के बैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसने सोचा कि ओमनीट्रिक्स की वजह से ही विलगैक्स ने ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को मार दिया, तो वो ये चाहता था कि जैसा ओमनीट्रिक्स की वजह से उसके साथ हुआ वैसा किसी भी टाइमलाइन के बैन के साथ ना हो। और इसी वजह से उस टाइमलाइन का बैन सभी टाइमलाइन के बैंस की ओमनीट्रिक्स लेने लगा, ताकि ओमनीट्रिक्स की वजह से किसी के भी ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ना मारे जाएं। एंड फिर सभी बैंस अपने अपने टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी हो जाती है एंड। एंड आई नो कि मैंने इस मूवी को काफ़ी डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये मूवी 44 मिनट की थी और अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को ही एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।